दोस्तों, बेताब समाचार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम मेरठ जिले के कस्बा सरधना में हैं। सरधना में ये आज़ाद नगर को कोविड-19 के अंतर्गत हॉट स्पॉट में सील किया गया है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखाएं, ये हॉट स्पॉट का वो क्षेत्र है जिसको सील किया गया है। ये देखिए, यहाँ बैरिकेडिंग की गई है और यहाँ पर इसकी सुरक्षा में, जिससे ताकि कोई लोग ना जा सकें, तो यहाँ पुलिस तैनात है और यहाँ पर कुछ अधिकारी हैं। हम उनसे बातचीत कराना चाहेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? वीडियो सरदना, सुनील भाटी। हाँ, वीडियो सरदना है, सुनील भाटी जी। भाटी जी, ये जो कोविड-19 का यहाँ जो दो केस पॉजिटिव पाए गए थे, उसके बाद ये हॉट स्पॉट में चिन्हित करके इसको सील किया गया है, तो यहाँ पर जो लोगों के जो दिक्कतें हैं, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं लोगों को? इस तरह लोगों को दिक्कत नहीं है, बंद किया हुआ है सारा, उसको जो अंदर सप्लाई के सामान की सुविधा दी गई, तो सप्लाई वगैरह जो दूध है और सब्जी है, सब्जी दवाई वाला किराने वाला सबके नंबर दिए हुए, उनको सप्लाई करेंगे, तो वो सप्लाई हो रही, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। और जैसे कि जो दो केस पॉजिटिव पाए गए थे सर, उसके बाद से सरधना में क्या और कोई केस आया है? अभी कोई रिपोर्ट नहीं, लेकिन बाकी अभी टेस्टिंग में है। अभी टेस्टिंग में है। और जो क्वारंटीन में जो लोग रखे गए थे, तो उनमें से जो रिपोर्ट है उनकी सबकी आ गई है? अभी रह रही है। तो अभी कुछ रिपोर्ट आ गई है, और अभी दो पॉजिटिव की जो रिपोर्ट आई थी, उसके बाद से 23 रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। उसके बाद अभी तक कोई, सरधना के लिए खुशी की बात है कि कोई अभी तक पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आई है। और कोविड-19 का बचाव ही इलाज है, जिसके अंतर्गत प्रदेश सरकार ने 15 जिलों को हॉट स्पॉट को चिन्हित करके सील किया गया है। तो उसी में से मेरठ जिले के कस्बा सरधना में है हम, और ये सरधना का वही क्षेत्र है जो सील किया गया है। इस मोहल्ले का नाम आज़ाद नगर है, और आज़ाद नगर की ये वो गली है जो सील की गई है। यहाँ पर जो दूध या मेडिकल या सब्जी या कोई भी चीज़ ले जाना या किसी भी आदमी का आना या जाना अलाउ नहीं है, उसके लिए नंबर दिए गए हैं, और अगर किसी को दिक्कत है तो उसको उसके घर पे वो सुविधा पहुँचाई जा रही है, जैसे कि अभी वीडियो साहब ने बताया। तो वो सारी यहाँ इस तरह से कोविड-19 को हराने के लिए प्रदेश सरकार ने जो कमर कसी है, उसका ये नतीजा आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से बिल्कुल सुनसान है और लोग इसका पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। सब इंस्पेक्टर हैं जो यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं, उनसे हम चाहेंगे कि वो क्षेत्र की जनता को और खासतौर से इस इलाके के लोगों को कोई संदेश दे। जी सर, कोई संदेश देना चाहेंगे? मेरा यही संदेश है क्षेत्र की जनता से कि लॉकडाउन का पालन करें, और बहुत अच्छे से पालन हो भी रहा है यहाँ पे। सब लोग अपने घरों में हैं, कोई बेवजह बाहर नहीं निकल रहा है। अगर किसी को कोई परेशानी है तो उसकी समस्या घर पे हल की जा रही है। तो ये है सब इंस्पेक्टर राजवीर सिंह जी, और इनका ये कहना है कि यहाँ पूरी तरह से पालन हो रहा है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, और अगर कोई दिक्कत है तो उसके लिए नंबर दिए गए हैं, और वो नंबर पे लोग संपर्क कर रहे हैं, उन्हें वो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो और कैमरामैन राकेश कुमार के साथ मैं ऐसे बेताब, सरधना से, बेताब समाचार एक्सप्रेस के लिए। ये सरधना का हृदय स्थल कहा जाता है, ये अशोक की लाट है, और आप ये देख रहे हैं इस वक्त इसी के बराबर से थोड़ा चल के ये आज़ाद नगर है जो सील किया गया है। सरधना का वो पॉजिटिव इलाका है जो सील किया गया है। हम दिखाना चाहेंगे कि ये वो इलाका है जो सील किया गया है, और यहीं से वो जो है मदीना मस्जिद के पास पॉजिटिव केस पाया गया था। ये वो इलाका है जो सील किया गया है, हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये वो इलाका है इधर से जो सील किया गया था। आइए अब हम आपको दिखाते हैं सरधना के, ये महावीर द्वार है, और ये महावीर द्वार पे, और ये अशोक की लाट है, और ये दिखाएंगे हम आपको यहाँ, ये कोरोना का एक बोर्ड लगा है, कोरोना वायरस का खतरा घटाए, ये बोर्ड लगा है। तो ये हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए, कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जिसका अभी तक दुनिया में कोई वैक्सीन, कोई टैबलेट नहीं बनी है। हमारे दुनिया भर के साइंटिस्ट, वैज्ञानिक इसकी खोज में लगे हैं, इसकी दवाई बनाने में लगे हैं। दुनिया की सुपर पावर जो अमेरिका जैसी सरकार जो है, इसके सामने घुटने टेक चुकी है। वहाँ एक दिन में 24 घंटे में 2000 लोगों की मौत हो रही है, और भारत जो कि स्वास्थ्य सेवाओं में विश्व के बहुत सारे निचले पायदान पे है, यहाँ पर इसका बचाव ही इसका इलाज है।
क्योंकि विश्व की बड़ी स्वास्थ्य के नंबर पे नंबर वन क्षेत्र में आने वाले देश अमेरिका और इटली उनको आज इससे जूझ रहे हैं, और वहाँ जिस तरह से इस संक्रमण ने अपना कहर बरपाया है उसे देखते हुए भारतवासियों को इसका जो है सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करें, अपनाएं और एक दूसरे से बच के रहें, मास्क पहनें और दस्ताने इस्तेमाल करें, और जो ख़ास तौर से जो भी कोई आदमी आपसे आता है तो 5-6 फुट की दूरी बनाकर उससे रहें। ये जो है WHO की जो गाइडलाइन आई है उसके मुताबिक हम सबके लिए बचाव ही इसका इलाज है। अभी तक कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है, और इस महामारी से बचने के लिए जो लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन का हम ये दिखा रहे हैं आपको मेरठ ज़िले के सरदना कस्बे में। ये सरदना का एक तरह से हृदय स्थल है, दिल कहलाने वाला क्षेत्र है, जो अशोक की लाट, और ये यहाँ से इसी के बराबर से जो हमने अभी दिखाया आपको आज़ाद नगर को जाने वाला रास्ता, उसी में मदीना मस्जिद के पास पॉजिटिव केस पाया गया था, और ये उसको हॉट स्पॉट में जो 15 जिलों के अंदर हॉट स्पॉट में जो क्षेत्र सील किए गए हैं उनमें से ये आज़ाद नगर भी एक क्षेत्र है, हम आपको ये दिखा रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाली